वकील व पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में शासन द्वारा गठित SIT पहुंची हापुड़, जुटाए सबूत। प्रदेश के जनपद हापुड़ में बीते 29 अगस्त को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में शासन द्वारा बनाई गई SIT की 3 सदस्य टीम हापुड़ के सिंचाई विभाग में दोनों पक्षों को सुनने के लिए पहुंची, जिसमें वकीलों का एक डेलीगेशन SIT से वार्ता करने के लिए पहुंचा और उन्होंने SIT से मांग की कि इस मामले में SIT की टीम में एक न्यायिक अधिकारी को भी शामिल किया जाए। वहीं इस मामले में SIT जांच कमेटी के अध्यक्ष मेरठ मंडल आयुक्त जे सेल्वा कुमारी ने कहा कि इस मामले में वीडियो एविडेंस जुटाए जा रहे हैं, अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। समय अनुसार जांच पूरी करके इस शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है, कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दे। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे, निष्पक्ष तरीके से जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। संवाददाता कच्छ हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह के प्रशांत सिंह की खास रिपोर्ट। इनिशियली कोई भी इंसिडेंट होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है मिसट्रस्ट, डाउट्स रहता है माइंड में, थोड़ा सा इस तरह से फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। हम लोग उनके फीलिंग्स समझ रहे हैं, ये उनको भी कन्वे कर लिया गया है, बट एक ही परिवार के हैं, पूरा प्रशासन भी, एडवोकेट भी, सभी लोग यहाँ के नागरिक भी हैं, तो जिम्मेदारी ये सबका बनता है सही चीज़ सामने आए, शासन को हम लोग सही चीज़ पुटअप करना है। और दूसरा, एडवोकेट्स अपने कोर्ट में डे टू डे यही करते हैं, दोनों पक्षों को पक्ष रख के उनको न्याय दिलाते हैं कोर्ट में भी, तो हमने वही अनुरोध फिर से हम लोगों ने किया है, तो काइंडली अपना पक्ष जरूर रखें ताकि आपका जो भी साइड है वो भी सामने आए, क्योंकि छुपा के रखने से वो अपने लिए न्याय लेना तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। आपकी क्या हमारे जो SIT कमेटी की तरह पूरी आई थी, उसने हमें आमंत्रित किया था इसमें, और ये जांच करने आई थी 29/8/2023 को हुई घटना की बाबत, जो हमारे अधिवक्तागण के ऊपर पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी चेतावनी के, धरना प्रदर्शन समाप्ति के 7 मिनट बाद अकारण ही जो लाठीचार्ज किया गया है और अमानवीय रूप से उनको प्रताड़ित और मारपीट की गई है, उसकी जांच करने के लिए आई थी। लेकिन हमारी जो उच्च संस्था है जिसे हम गवर्नड होते हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और संघर्ष समिति, उन्होंने का निर्देश ये है और उन्होंने प्रतिवेदन इस कमेटी को एनलार्ज करने का, यानी इसमें और न्यायिक अधिकारी और बार काउंसिल के मेंबर शामिल करने का अनुरोध मुख्यमंत्री जी से किया है, और उनकी गाइडलाइन जो हमारे पास आई है, तो जब तक ये कमेटी एनलार्ज ना हो जावे तब तक हम अपनी एविडेंस पूरी उनको देने में असमर्थ हैं। और 3 तारीख में हमारी बार काउंसिल की फिर दोबारा मीटिंग होगी, उसमें जो हमारे लिए दिशा निर्देश होंगे उसी आधार पर हम जो जांच कमेटी है उसको अपनी पूर्ण एविडेंस देंगे। कमेटी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि कोई भी हम अन्याय आपके साथ नहीं होने देंगे, लेकिन वो हमारी इस बात से सहमत हैं कि इसमें कमेटी एनलार्जमेंट होने के बाद आप अपनी पूरी एविडेंस दे दें, और जो आपके घायल अधिवक्ता हैं मारपीट में जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं उनके भी बयान दर्ज करवा दें। लेकिन हमने अपनी असमर्थता जताई है, जब तक बार काउंसिल के अगले दिशा निर्देश हमारे लिए जारी ना हो, वो उनके बाद ही हम अपने एविडेंस उन्हें देंगे। और जो ये कमेटी है, इसका हम फिलहाल इन शर्तों पर विरोध करते हैं।